व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नसबंदी कराने के बाद भी हम एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। बिकॉज सोच ये होती है कि जहां नसबंदी में हमारी नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, तब हमारे अंदर वायरस कैसे आ सकता है। बिकॉज इससे पहले हमने नसबंदी के ऊपर ही वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं या फिर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। आज हम बात करेंगे कि क्या नसबंदी कराने के बाद भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आइए इसको जानते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेल में यहाँ से इस नली को बंद कर देते हैं, बांध देते हैं कट करके, और फीमेल में यहाँ से इसको कट करके बांध देते हैं, जिससे कि एग यहाँ से गर्भाशय में नहीं आता। और इसको कट करने से जो अंडकोशों में जो स्पर्म्स बनते हैं वो सीधे ऊपर सेमिनल वेसिकल में या फिर जो थैली होती है जिसके अंदर वीर इकट्ठा होता है, उसके अंदर जहाँ शुक्राणु इकट्ठे होते हैं जाकर, उसमें वो इकट्ठे नहीं होते। तो जब इकट्ठे नहीं होते तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अब इसका यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर ये आप करा लेते हैं तो उसके बाद क्या आप एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं? अगर आपका पार्टनर कोई ऐसा है जिसको एचआईवी है तो आप हो सकते हैं, अगर उसको नहीं है तो नहीं होंगे, क्योंकि जब वायरस ही नहीं है तो कैसे हो सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कोई मेल या फीमेल या मेल टू मेल कोई बंदा कैसे पॉजिटिव हो सकता है। उसमें यह रहता है कि अगर कोई पर्सन इसको एचआईवी नहीं है और अगर ये दूसरे पार्टनर से मिल रहा है, इसको भी एचआईवी नहीं है, तो अगर ये मिलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे एचआईवी नहीं होगा। बट अगर किसी एक को है या ये किसी और से मिला है या ये किसी और से मिले हैं, तो उस स्थिति में किसी एक के अंदर वायरस हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये बंदा किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहा है या ये किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहा है, इसको नहीं मालूम कि इसके कितने पार्टनर पहले रहे हैं या इसको नहीं मालूम इसके कितने पहले पार्टनर रहे हैं, और उनमें से किसी एक को अगर रहा है वायरस तो इसके अंदर वो वायरस आ सकता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जब पॉजिटिव होता है, तो मान लीजिए ये व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है और ये है, तो इसके अंदर वायरस कैसे आएगा? इसके प्राइवेट पार्ट से ये वायरस अंदर आएगा। जो रास्ता यूरिन करने का होता है, जिस रास्ते से यूरिन बाहर आती उसी रास्ते से ही वायरस अंदर जाता है, ठीक। और ये जाने के बाद अंदर सीधा बॉडी में धीरे धीरे ये फिर फैल जाता है। अब मान लीजिए यही पार्टनर कभी किसी और से मिलता है और उसको एचआईवी नहीं है, तो इसी रास्ते से ही ये वायरस जो सेमिनल फ्लूड है, भले ही इसने नसबंदी करा रखी है, लेकिन जो फिर भी एक वीर्य जो उसका बाहर आएगा उसमें वायरस रहेगा और फिर ये वायरस इस दूसरे पार्टनर के अंदर चला जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए इस फीमेल ने नसबंदी करा रखी है, लेकिन जो वेजाइनल फ्लूड है उसमें तो वायरस रहेगा, तो इससे कॉन्टेक्ट करने के बाद एक मेल के अंदर इसी यूरिन वाले रास्ते से ही वायरस अंदर चला जाएगा और ये व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा। तो व्यूअर्स, नसबंदी का मतलब होता है कि अब हम बेबी नहीं चाहते और हम इसको अपनाकर फिजिकल कॉन्टेक्ट करें जिससे कि आगे बच्चे ना हों। बट अगर कोई अनजान पार्टनर है जिससे आप मिल रहे हैं तो उसमें एचआईवी का खतरा बना रहता है, तो उसके लिए आपको हमेशा कंडोम यूज करना है जिससे कि आप सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। तो ये जो क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था कि क्या इसके बाद भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं, तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करके हमें फीडबैक जरूर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।